अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आपका प्रोग्राम ईद शो का, ईद शो है आज, ईद का प्रोग्राम है, सुबह हिदायत नहीं है। और आपको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आपकी मेज़बान साहर हुसैन और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़ले ताला बसदकाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निशावर फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा कर सकें, रहमतों का बायस बन सकें और बरकतों का बायस बन सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नज़र सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की बेशुमार मुबारकबाद पेश करूंगी, और उम्मीद है कि आपने जिन लोगों ने पाकिस्तान, जाहिर है कि कुछ लोग अपने बैक होम यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी वो से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो है वो कुर्बानी दी होगी, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर भी कुर्बानियों का एहतमाम करते हैं और उसके बाद अपने अहले रिश्तेदार जो होते हैं, अहबाब होते हैं, उन सबको गोश्त तकसीम करते हैं। तो ये गोश्त तकसीम करने का जो एक काम होता है, ये भी बड़ा काम होता है, बड़े जिम्मेदारी का काम होता है। और आप सोचते हैं कि इसको जो है किस तरह, कहाँ से इस मुल्क में, जाहिर है कि आपको उस तरह से गरीब नहीं मिलते, मिस्कीन नहीं मिलते कि जिनको आप अपना हिस्सा, जो गोश्त का जो हिस्सा जो गरीबों और मस्कीनों को देना होता है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन बहरहाल रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना होता है। तो इसलिए जो है वो आप, हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जो है वो खाना आज के दिन बनता है, ख़ासतौर पर मज़ेदार डिशेज़ होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जो खाना है वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ज़रा इतदाल में रहकर खाइएगा, क्योंकि पेट तो अपना ही है और जिस्म भी अपना है, उसको उसकी सेहत का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा खा लेने से जो है वो सेहत ख़राब हो जाती है, और गोश्त ज़्यादा खा लेने से जो है वो न सिर्फ मैदे की बल्कि और बहुत सारी बीमारियाँ होने के इम्कान होते हैं। बहरहाल आपको डरा नहीं रही मैं, लेकिन जो है खुशी का दिन है और जो है इस दिन को की जो है वो कुर्बानी की याद ताज़ा की जाती है, जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और न सिर्फ ये कि ये याद जो है हमें कुर्बानी की, ये हमें ये याद ये बताने के लिए है कि हम अपनी इस दिन को खुशी के तौर पर मना सकें, बल्कि ये बताने के लिए भी है कि अल्लाह ताला की अतात के आगे बग़ैर सेकंड थॉट दिए जो है हमें झुक जाना चाहिए, जिस तरह के हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की अतात की और अपने बेटे से जब कहा कि खुदा ताला ने मुझे ख्वाब में, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कुर्बानी चाहता है, तो जिस तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा कि कहीं आप मोहब्बत पदर से जो है वो मजबूर होकर अल्लाह के फरमान की जो है वो तकमील ना कर सकें। तो ये जज्बा तो हमारे अंदर कुर्बानी का पैदा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमसे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ नहीं मांगता, औलाद की कुर्बानियाँ नहीं मांगता, बहुत बड़े बड़े हमारे जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनकी कुर्बानियाँ नहीं मांगता, लेकिन हमसे ये कुर्बानी ज़रूर मांगता है कि हम अल्लाह ताला की अतात करें और उस अतात में हम अल्लाह के दूसरे बंदों की मदद कर सकें, दूसरे बंदों के काम आ सकें, और अपने आप को इस कदर जो है अपनी दौलत को, अपने माल को इस तरह से पाक करें कि जो उसमें से उनका हिस्सा है जो कि लेस प्रिविलेज हैं, जो कि डिप्राइव्ड हैं, जिनको अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए कम नवाजा है, तो उनको इस तरह से जो है अपने हिस्से में से जो हमें अल्लाह ने दिया है और अल्लाह का ही रिस्क है, उस पर हमारा कोई कमाल नहीं है, तो उसमें से ज़रूर जो है वो हिस्सा निकाल कर जो है उनका ज़रूर उनको दिया जाए। और जहाँ तक बात है कुर्बानी की, जैसे कि हमने कुर्बानी के टॉपिक पर बहुत सारे जय्यद उलमाए कराम हमारे सुबह हिदायत के शोज़ में शामिल होते रहे और उन्होंने कुर्बानी की अफादियत, अहमियत पर बात की कि कुर्बानी अपने अंदर कितना बड़ा जो है वो अपने अंदर एक असर रखती है, और हमें बहुत, हम पर ये लाजिम होता है कि हम इवन हमारे जो एक आलिम थे उन्होंने कहा कि इवन कर्ज़ा लेकर भी कुर्बानी करनी पड़े तो कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, बांग्लादेश कह लीजिए, तो ये वो मालिक है कि जहाँ पर गरीब को गोश्त खाना नसीब नहीं होता, उसके लिए दो वक्त की रोटी को जो मैनेज करना है वो तक मुश्किल होता है। लेकिन जो है परवरदिगार अगर हमें ये इस्तेआत अता फरमाता है कि हम अपने आप को जो है वो इस काबिल समझते हैं कि हम कुर्बानी करते हैं, तो ज़रूर ज़रूर हमें उनको ये मौका देना चाहिए, गरीबों को, कि वो अपने दो वक्त का खाना जो है वो ज़रूर
जो है अपनी कुर्बानी के गोश्त से बना सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एक मुट्ठी भर जो गोश्त है वो उनको पकड़ा दें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह ताला आपको जो है वो आपकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले और जो मेन हिस्सा है आपकी कुर्बानी का वो अपने फ्रीज़र में रख दें। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बल्कि मैं समझती हूँ कि कम से कम जो है वो आप अपने पास रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कीजिए। ज़ाहिर है कि रिश्तेदारों और दोस्तों को देने का भी बहुत सवाब है, लेकिन ये गुरबा जो मेरा ख्याल है कि सालों सिर्फ मेरा ख्याल है ईद के दिन ही सिर्फ जो है वो गोश्त का को अपनी ग़िज़ा बनाते होंगे, तो उनकी ज़रूर कोशिश कीजिए कि उनकी सही तरीके से जो एक खाना है वो ज़रूर बन जाए। ऐसा ना हो कि उनकी जो घर के अफराद ज़्यादा हों और आपका दिया हुआ गोश्त जो है वो मुट्ठी भर हो। ज़रूर इसको मद्देनज़र रखिएगा। और नाज़रीन यकीनन आपने भी आज हमारी बहनों ने ख़ासतौर पर जो है वो बड़ी मज़ेदार डिशेज़ बनाई होंगी और बड़ी लुत्फ़अंगेज़ जिसे हम कह सकते हैं कि डिशेज़ होंगी। अगर आप हमारी बहनों ने जो है आज की बहुत ही मनफरद से डिश बनाई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी उसे फ़ायदा उठा सकें और हम भी उसको बनाने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन आज भी हम वॉक को मिस नहीं करेंगे। वॉक इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन एक डिफरेंट दिन होता है, हर दिन अल्लाह की अतात का एक अलहदा ही अंदाज़ होता है। तो आज के दिन यानी ईद के दिन जो है वो उसकी भी रहनमाई हमें चाहिए होती है कि किस तरह से हम अल्लाह ताला के हजूर अपने आप को पेश करें, अपनी अतात अपनी मोहब्बत का इजहार करें, अपने गुनाहों का जो है वो इकरार करें और अल्लाह को के सामने सरेंडर कर दें। तो अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करने वाला है, वो आपको डराना नहीं चाहता, वो आपको तंबीह करता है कि अगर हम हमारे गुनाह जो हैं वो हमें दुनिया में भी बर्बाद कर देंगे और आखिरत में भी हमारी बर्बादी का बायस बनेंगे। तो नाज़रीन आज की वॉक जो है उसमें किबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब जो हैं वो हमें बहुत ही आज अच्छी यानी कि ईद के हवाले से नसीहत करेंगे और ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है और इस दिन को भी जो है वो हमें अल्लाह ताला की अतात के साथ और बल्कि मैं कहती हूँ जो कि कुर्बानी भी इसमें शामिल है इसलिए आप डबल सवाब जो है वो इसमें हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको गौर से सुने और फिर इस पर अमल भी करें। तो बढ़ते हैं हम वॉक विद हिदायत की तरफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुतजबीन अल हुदातिल महदीयीन सय्यम बखियतिल्लाहि फिल आलमीन रूही व अरवाहुल आलमीन आमीन। أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم غريب سعد أورنگی ہے داستان حرم गरीब सादा और रंगी है दास्तान हरम नहायत उसकी हुसैन और इब्तिदा इस्माइल। ईद उल अज़हा के इस मुबारक और मुकद्दस इन लम्हात में मैं हिदायत की तरफ से तमाम अहले हिदायत को जहाँ जहाँ पे भी अहले हिदायत बस रहे हैं उन सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद अज़हा और ईद क़ुरबान जिसको कहा जाता है, क़ुरबानी बाहर का फारिक इंसान दे रहा होता है, ऐसा नहीं है, दुनिया एक किस्म की क़ुरबान का है। अब बात यह है कि क़ुरबानी जो हमने करनी है वो क़ुरबानी किस अंदाज के साथ हमने करनी है। हर एक इंसान ख़्वा वो दुनिया वाला है या वो दीन वाला है वो बाहर के कुर्बानी कर रहा होता है। बात यह है कि कुर्बानी का मफहूम इश्क और अकीदत की पहचान का जरिया बना करता है। वो इंसान के जो कुर्बानी नहीं करता है उसमें काफ़ी हद तक जो ज़हनी एतबार के साथ देखा जाए, माशरती एतबार के साथ देखा जाए, बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल हुआ करते हैं। बाज़ औक़ात एक इंसान अपनी ज़ात की कुर्बानी देता है, बाज़ औक़ात एक इंसान अपनी जान की कुर्बानी देता है, बाज़ औक़ात इंसान अपनी जाह और रियासत की कुर्बानी देता है,
बाज़ औक़ात इंसान माल और दौलत की कुर्बानी दिया करता है। कुर्बान है एक इंसान, और ये अलामत है, ये इश्क की एक दलील हुआ करती है कुर्बानी। अल्लाह वालों में, जिन्हें अहलुल्लाह कहा जाता है, और दुनिया के बंदों में कुर्बानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बास माल के ऊपर कुर्बान होते हैं और बास माल को कुर्बान करते हैं। माल को कुर्बान करने से सारे रिश्ते आपस में जुड़ जाया करते हैं। जो माल के ऊपर कुर्बान होते हैं, ये माल रिश्ता जोड़ने का ज़रिया होना चाहिए, माल रिश्ता तोड़ने का ज़रिया नहीं। इसी तरह है, इंसान अपनी सारी हस्ती को कुर्बान करते हैं। ईद कुर्बान असल में यही है। आप बकरे को, गाय को, जो बाकी हैवानात हैं हलाल, उन्हें आप कुर्बान करते हैं। किस लिए? ताकि अल्लाह की ज़ात का तकर्रुब हासिल करें। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा। ये गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुँचने वाला है, नहीं ये खून अल्लाह तक पहुंचने वाला है, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचेगा। ईद कुर्बान मरकज है तकवा की। ईद कुर्बान क्या है? तकर्रुब का एक बेहतरीन जरिया है। ईद कुर्बान क्या है? तकवा इलाही का एक बेहतरीन मज़ा है। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं जी, इसमें बहुत ज़्यादा जो ईद कुर्बान है, इसमें जलवे हैं, इसमें तजल्ली है। इसका मरकज क्या है? याद इब्राहिम कि जिन्होंने ख्वाब में देखा, इन अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, बेटा मैंने आपको ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। 85 साल के बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हज़रत इब्राहिम को औलाद दी हज़रत इस्माइल की सूरत में, और वो जब अभी नौरस जवान होते हैं, यानी ये सारी कुर्बान गाहें हैं हकीकत में। पैदा हुए कुछ टाइम के बाद कहा कि चले जाएं, बैतुल मुकद्दस से मक्का मुकर्रमा आ गए। ये सारी जमजम की यादें, ये सारी सई की यादें, ये सारी सफ़ा और मरवा के जितनी भी यादगार हैं, सारी की सारी जुड़ी हुई हैं यादगार इब्राहिम के साथ। अपनी ज़ात को नहीं देखा, देखो ज़र अस जान मालो फर्जंद खीश ता खलीलुल्लाह दौरानत गुना। जब अपनी जान माल इज्जत आबरू नामूस को राह परवरदिगार में आप कुर्बान करेंगे, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला आपको जमाने का इब्राहिम बना देगा। इब्राहिमी सुन्नत पे चलना है, कुर्बान होना पड़ेगा। वो भी कुर्बानी राह खुदा, वो भी कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में आपको देना पड़ेगी। ईद कुर्बान बहुत बड़ी कुर्बानी का दिन है, बहुत बड़ी द फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। ये जो फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, इसमें ये देखना है कि हम अल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए, हम ये कुर्बानी एक अलामत है, ये एक किस्म की निशानी है। ये हमें बता रही है कि हम अपने माल की कुर्बानी देकर एक कुर्बानी जो कर रहे हैं, कल हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी हम देंगे, ज़ात की कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी देंगे, जाहो रियासत की कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी देंगे। हर किस्म की कुर्बानी राह खुदा में हम कुर्बान करेंगे। यही है मैसेज इस ईद कुर्बान का, कि अपने आप को कुर्बान करना है हुक्म परवरदिगार के साथ। और यही है कि जब एक इंसान इब्राहिम बार इस सुन्नत के ऊपर अमल करता है, द फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी जब करता है, तो इस बात की दलील बनती है कि हम तकर्रुब इलाही की मंजिल पर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात बता दी हमें कि तुम्हें अल्लाह के हुक्म को अजीज शुमार करना है। अल्लाह का हुक्म सरबुलंद है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। माल और दौलत की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है हुक्म परवरदिगार के साथ। जहाँ पर औलाद को कुर्बान किया जा रहा है, बेटा जिस मंजिल पर है, आप अजब देखेंगे, कहते हैं फफ अलमा तो उमर, परवरदिगार का जो हुक्म है बाबा आप उसको अंजाम दीजिए। फफ अलमा तो उमर, जो अल्लाह का हुक्म है, हुक्म परवरदिगार है, आप उस हुक्म परवरदिगार को आप अंजाम दीजिए। सताज दुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन,
आप मुझे साबरीन की जमात से पाएंगे। और ये बात आपको कितनी खूबसूरत लगेगी कि जब हम मिना में गए हैं, मिना कहते हैं जहां पर सारी आरजुएं अल्लाह की खातिर कुर्बान हो जाए, उसको कहते हैं मिना। मिना में जाकर बेटे को जब लिटाया, वतल्लहु लिल्जबीन, जे ऐसे में आवाज आई, कद सद्दक्तर रुया, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों हालतें तस्लीम में हैं, तस्लीम सबमिशन की मंजिल पर है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल्जबीन, ऐसे में आवाज आई, कद सद्दक्तर रुया, ऐ इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिया। ये याद दसवीं जुलहज की है और ये क्या है, उस मंजिल की याद दिलाती है। दसवीं जुलहज को कभी तुम दसवीं मुहर्रम के साथ जोड़ के तो देखना तो क्या है आवाज जो आती है, वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम। अब इस कुर्बानी के बदले में एक अजीम कुर्बानी हो, वफादाई ना हो बेज़बान। ये कुर्बानी है इस्माइल के बदला, इसका जो फिदिया बनने जा रहा है, ज़बह अज़ीम। अल्लाह अल्लाह वा बिस्मिल्लाह के दर मानिए ज़बह अज़ीम आ सर। ज़बह अज़ीम को जो हकीकी मिस्ताक है, ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है। क्या कुर्बानी हमें याद दिलाती है? ज़बह अज़ीम। ये दसवीं जुलहज की कुर्बानी है और वो दसवीं मुहर्रम की कुर्बानी है। जो फिदिया बन रही है ये दसवीं जुलहज की कुर्बानी बन रही है दसवीं मुहर्रम की। गरीब साद और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन और इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह सुबहानु व तआला ये जो लम्हात हैं ईद के और ईद कुर्बान के, हमें आज ये तजदीद अहद भी करना है। जो स्ट्रॉन्ग कवेनेंट है वो अपने रब के साथ बांधना है। परवरदिगार तू कुर्बानी चाहता है, हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी अपने नफ्स की, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की, अपनी जाह की, अपनी हिशमत की, अपने माल की, अपनी दौलत की, हर किस्म की हम कुर्बानी तेरे रास्ते में हम देंगे। तेरा जमाल चाहिए, तेरा कमाल चाहिए, तेरा तकर्रुब चाहिए, तेरा विसाल चाहिए, तेरी खुशनुदी आ जाए और तेरी खुशनुदी की खातिर हर चीज़ हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यही आज का मैसेज ईद कुर्बान का है कि हम तेरी ज़ात के सामने फना हैं, हम तेरी ज़ात के सामने कुर्बान हैं। परवरदिगार आलम से तौफीक हम चाहते हैं कि इस ईद कुर्बान में हमें ये तौफीक इनायत फरमाए कि हम उसके हकीकी जो तकर्रुब है, विसाल है, खुशनुदी है, वो हासिल करें। मैं बारे दीगर अपने सारे जितने नाज़रीन हैं उन सब की खिदमत में ईद कुर्बान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, बहुत शुक्र अदा करेंगे हम क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब का बहुत ही ख़ूबसूरत पैगाम उन्होंने ईद उल अज़हा के हवाले से दिया। और यकीनन आपकी तैयारियां जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी होंगी। और लेकिन एक और जो इस हवाले से आपको बताती चलूं कि अपनी जो इसराफ मत कीजिएगा और अपनी जो आप आज के दिन खाएं उसमें ज़्यादती मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके दिल और आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया,
खाओ पियो पियो मगर इसराफ ना करो। और अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़्यादा खा पी कर दिल को मुर्दा मत करो, क्योंकि दिल खेती की मानद है, जिसे अगर ज़्यादा पानी दिया जाए तो फसल तबाह हो जाती है। पुरखोरी की मजम्मत जो है वो इस्लाम में जो है वो बेहद की गई है, क्योंकि पुरखोरी जो है वो आपकी इबादत में भी खलल डालती है और साथ साथ जो है आपके जिस्म की सेहत के लिए भी सख्त नुकसानदेह होती है। और इसके लिए इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी कि अल्लाह ने ईद कुर्बान सिर्फ इसलिए करार दी ताकि मसाकीन गोश्त से सैर हो सकें, बस कुर्बानी के गोश्त से उन्हें खिलाएं। तो नाज़रीन जो है ये ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो मसाकीन तक पहुँच सके। इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पुरखोरी से परहेज करो, ये बदन को बर्बाद कर देती है और बीमारियों को जन्म देती है और इससे इबादत में सुस्ती पैदा होती है। तो जबकि हमें ये बातें ख़ुद भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने नफ्स को सैर करने के लिए और जो है वो अपने आप को ये बताने के लिए अपनी जिसे कहते हैं कि एक ना भी भूख होते हुए हम अक्सर खा जाते हैं, तो उससे हमें ज़रूर परहेज़ करना चाहिए। और नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं और जो है आप हमें ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं, हम भी आपको ईद की मुबारक ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि क्या आजकल आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी फायजा, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। सबसे पहले इमाम जमाना को और उनके बाद तमाम देखने सुनने वालों को, आपको, काशी भाई को और जितने हमारे बैक स्टूडियो पे काम करने वाले भाई हैं और कलीग्स हैं, सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि आज के दिन अल्लाह मियां हम सबके दिनों को उसी कुर्बानी के जज्बे से भरे जिससे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे, और हम इस काबिल हों कि अपने वक्त के इमाम को जो है वो सर्व कर सकें प्रैक्टिकली। तो आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। आप सुनाएं, ईद कैसी गुजरी है फायजा आपकी? मेरी तो जॉब पे गुजारी। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे गुजारी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये भी होता है ना कि आप जॉब को मिस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली जो है वो जाना पड़ता है, लेकिन के बच्चे क्या कर रहे हैं घर में, क्या उनके क्या आज का? बच्चे ईद मना रहे हैं, कुछ हमने कल थोड़ी सी लाइक फैमिली गेट टुगेदर कर लिया था, तो अच्छा। उस सेंस में थोड़ा सा किसी हद तक कॉम्पनसेट हो गया था, बाकी अब वो अपने बाबा के साथ और बाकी फैमिली के साथ कर रहे हैं एंजॉय। खैर से अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है, और तमाम देखने सुनने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है सारे अच्छे अच्छे से ईद मना रहे होंगे और खुश होंगे, पर इतना याद रखें कि ईद मनाने का मतलब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को याद रखना है, जिनके अमल को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक वाजिब हुक्म करार दिया और जिसकी प्रैक्टिकलिटी को हमें अपने एवरी डे लाइफ में लेकर आना है। तो अपने अपने स्माइल को निकाल के अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, यानी वो वाला कुर्बान नहीं कि गले काटने लगे हम, ना ही हम नबी हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के और तवक्कुआत यही कर लें तो बहुत है, यही असल चीज है ऑनेस्टली स्पीकिंग, यही सबसे बड़ा जहाद अकबर है और यही सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम ये कर सकते होंगे तो फिर ही अपने वक्त के इमाम को सर्व कर सकते होंगे। आज हम अपनी ख्वाहिशात के गलों को नहीं काट सकते, अपनी अना के गले को नहीं काट सकते, अपनी बद इखलाकी और बदतमीजी के गले नहीं काट सकते, अपने बुरे रुझानात के गले नहीं काट सकते, और अपनी अंदरूनी सिफात से नहीं लड़ सकते तो बेरूनी सिफात से क्या जंग लड़ेंगे, आप खुद सोचें। सो अंदर से कमजोर इंसान तो नहीं मैदान अमल में खड़ा हो सकता ना, अल्लाह ताला उसी को नायब बनाएगा, खलीफा अपना समझेगा और बनाएगा जो इंसान अपने अंदर को फतह करने में किसी हद तक कामयाब हो। और यकीनन इसमें तौफीक खुदा 100% चाहिए होती है, उसके बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते उसके अमल के बगैर, तो वो जरूर है, लेकिन इतना जरूर करें कि अपने वजूद से अपने चारों सू मोहब्बतें बांटे। अगर आप किसी से गुस्से भी हैं, नाराज भी हैं, किसी ने जुल्म भी कर दिया है, कोई हक भी खा लिया है आपका, तब भी
इन छोटी छोटी चीजों की खातिर रिश्तों को मत गवाएं, और रब की खातिर, उसकी मोहब्बत की खातिर, उस मोहब्बत की खातिर जिसने चार सू हमें लपेट रखा है। और आप यकीन करो, मैं अक्सर आजकल रियलाइज करती हूँ, बड़ी शिद्दत से महसूस करती हूँ और जेन्युइनली फील करती हूँ। और जो मैंने लाइफ में देखा है कि अगर आपने लाइफ में किसी ने आपका मसलन कोई मटेरियल नुकसान भी कर दिया है, मसलन किसी ने खुदा ना खास्ता आपकी इंसल्ट भी कर दी है, मसलन आपके साथ कोई ज्यादती और जुल्म भी कर दिया है, रब ताला उससे कई गुना ज्यादा आपको देता है। नो डाउट, पलट के बिल्कुल सही कह रही है। और अगर आप अपने दिल में कीना नफरत बुक्स नहीं रखते हैं, उस जज्बा इंतकाम नहीं रखते हैं और लोगों को माफ करते चले जाते हैं और अपने रिश्तों को कनेक्ट करते रहते हैं और उनसे रब पे रहते हैं, रब की खातिर नहीं अपने रियाकारी की खातिर, या इसलिए कि मैं कहूँ कि जी मैं बड़ा अजीम हूँ तो जी देखे मैं तो आ गया था, ये वाला बताया ना वो, हाँ तो वो चीज से निकल आए। खुदारा इतनी लंबी जिंदगी नहीं है जितने इंसान अपनी रियाकारी में, अना में और दिखावे में, ख्वाहिशात की असीरी में वेस्ट कर देता है। अल्लाह से उसकी मोहब्बत को मांगे, उसके कुर्ब को मांगे, उसके इश्क को मांगे, उससे ज्यादा कीमती इस कायनात की कोई चीज नहीं है, यकीन करें। इस दुनिया से रब्ते खुदा के बिना चले गए तो आप यकीन करें, जैसे वो दुआए अरफा में इमाम कहते हैं, तूने क्या पाया अगर जो है इंसान ने दुनिया तो पा ली रब को खो दिया। आप यकीन करें, रब की मोहब्बत इतनी कीमती और अनमोल चीज है, ऐसे नहीं लगता जैसे चारों सू रब तला की रहमत, उसकी मोहब्बत, उसकी खुशबू, उसका साथ, न जाने कहाँ कहाँ से आप उसको महसूस करना शुरू करते हैं। क्योंकि जिससे इश्क होता है उसकी तो आपको चार सू नजर आती है और हर चीज में नजर आती है, और अच्छे बुरे में भी नजर आती है, मनफी मस्बत में भी नजर आती है, और आप महसूस करते हैं कि कैसे कैसे रब ताला आपको नवाजे जाना जा रहा है, नवाजे चले जा रहा है। और यकीनन ये आपकी किस्मत नहीं होती, ये उस रब का अजीम शान, इन्हीं रब तो देखो उनको सबसे ज्यादा दे रहा है जो काफिर है मसलन, लेकिन आप देखो मानवीय जो दौलत है अगर इसकी अहमियत ना होती तो रब ताला आपको क्यों नवाजता, क्यों इतने कीमती दिन देता जो हर जैसा दिन है, जिस दिन हम सबको अल्लाह कहता है कुर्बानी दो, और ये कुर्बानी वो नहीं है खुदा के वास्ते, इस दिन को ऐसे जाया ना करें, अपने वक्त के इमाम से दुआए नुतबा पढ़कर, दुआए हद पढ़कर वादा करें कि या इमाम मैं आपके साथ होना चाहता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है कुर्ब खुदा की खातिर, इस दोनों जहां में मुझे कुर्ब खुदा चाहिए, बंदगी का और इश्क का दिन है ये, रब ताला से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से, अहले बैत से, कलाम इलाही से, रब से कहें रब ताला मुझे तेरी जुबान सिखा, मुझे कलाम इलाही ऐसे सिखा कि मेरी हर सांस, मेरा वजूद, मेरा जरा जरा कुरान जो है उसको यानी रिफ्लेक्ट करे। आप देखो जैसे जनाबे फिजा अपने हर कलाम में कलाम इलाही जो है उसका जिक्र करती थी और उसके जरिए कम्युनिकेट करती थी, हम में कौन है जो ऐसे करता है, हमें कौन है जो उस कलाम से मोहब्बत को महसूस करता है, कनेक्शन को, जब रब के कलाम से नहीं कनेक्ट होंगे कुरान नातिक से कैसे कनेक्ट होंगे, कुरान नातिक से कनेक्ट नहीं होंगे तो रब ताला से कैसे बंदगी का हक निभा सकेंगे, और रब ताला से बंदगी का हक नहीं निभा सकेंगे तो कैसे मैदान अमल में खड़े होकर अपनी कुर्बानियां पेश करके और रब के सामने बुलंदी का जो कमाल का मुकाम हासिल कर पाएंगे। जिंदगी खत्म तो होने वाली चीज नहीं है, जिंदगी तो सैर सलूक का एक सफर है और इश्क का सफर है रब ताला के, तो ना गवाइए इस इन इतने कीमती और इतने प्यारे लम्हों को, मत गवाइए दुनिया की खातिर, मोहब्बत कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए चारों सू, इतनी मोहब्बत फैलाइए कि जब आप पीछे मुड़े तो सिवाय मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, खुशी, एहसास और परवाह और कदरदानी के, और एक ऐसे बंदे की जैसे रब हमें देता जाता है, हम कितने गंदे काम करते हैं, सारा दिन उसकी नाफरमानियां करते हैं, सारा दिन उसकी यानी हम उसका अदब तक नहीं करते और ये नहीं देखते कि हम गुनाह कर रहे हैं और उसको उसकी बेअदबी कर रहे हैं और उसकी शान मतलब के हम यानी हम उसको प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे होते ज़्यादा जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, तो फिर भी वो कितना दिए चला जाता है और देता चला जाता है कि शायद मेरा बंदा पलट आए, तो क्यों हम उसके बंदे नहीं बन जाते, ताकि हर चीज, आप यकीन करो रब की बंदगी से ज्यादा इस कायनात में कोई हसीन चीज नहीं है। और आज के दिन दुआ अरफा जो है, जैसे कि कल के दिन गुजरा था, और दुआ नुतबा जो है और दुआ अहद है, उसके अल्फाज पे गौर जरूर कीजिए, चाहे एक घंटा निकाल कर, आधा घंटा निकाल कर,
आप यकीन करो, मैं थोड़ा सा अभी मैं मुकम्मल पढ़ नहीं पाई थी, मुझे वक्त नहीं मिल सका। आप यकीन करो, जब दुआए अरफा पढ़ते हैं तो ऐसे एग्जैक्टली लगता है मैं आप बिल्कुल आप ऐसे होते हैं जैसे किसी कोई आशिक अपने महबूब के कदमों में आप रोक ही बैठा नहीं सकते हुआ, खुद को, और बिल्कुल बेबस सा, और बेबस। एक आजजी का, और एक दर्द का, और एक मोहब्बत का, और एक I mean, ऐसी फीलिंग होती है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और खुदा से ये मांगे, रब की मोहब्बत मांगे, इससे बढ़ के कोई अनमोल चीज नहीं है। और आपके वजूद से इस मोहब्बत का इजहार जो है वो सारे जहान को खूबसूरत बना देता है। जितने गिर्दोनवा में आप रहते हैं, आपके वजूद में वो महक होनी चाहिए जो रब ताला की यानी नामों का इजहार करती है। रहमान होने का, लतीफ होने का, कबीर होने का, समी होने का, माफ करने वाले का, दर्द बांटने वाले का, एहसास करने वाले का, प्यार करने वाले बिल्कुल का, इतने प्यारे प्यारे नाम है रब के। हमारे वजूद से कितने नामों का इजहार होता है, बंदे खुदा की हैसियत से, ऑब्वियसली उसके उस बंदे की हैसियत से जिससे बड़ा प्यार करता है, जिससे इश्क करता है, जिसको अपना समझता है, जिसको चाहता है कि उसका हो जाए, जिसका वजूद चाहता है कि अर्शे रहमान हो जाए वो। तो कैसे हम इतने कीमती लम्हों को जाया कर देते हैं। याद रखिए, जो जितना जिम्मेदार है उतना ही उसकी यानी जितना आगाह है उतना ही जिम्मेदार है। बिल्कुल और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जब मर्द हो, औरत हो, कोई भी इंसान हो, हर इंसान को इस चीज की अहमियत बढ़ चुकी है कि मैं कौन हूँ आखिर, मैं क्या करने आया हूँ, मैं हूँ कुछ, यानी मैं कुछ हूँ। तो जब मैं हूँ कुछ तो बंदे खुदा होने से ज्यादा कुछ भी नहीं इंसान हो सकता। और अली और फातिमा से बढ़कर कोई नमूना अमल नहीं हो सकता बेशक हमारे। अगर मैं बेशक कुछ हूं तो उनकी सीरत मेरे वजूद से कहाँ से इजहार हो रही है। उनकी मोहब्बत जिंदगी को सादा करे, इतनी प्यारी होती है जिंदगी अगर आप इसको सादा कर लेते हैं। इसमें छोटी छोटी चीजों को अना का मसला बिल्कुल नहीं बनाते, अपनी जो जहनी उलझनों को एक दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव में नहीं फैला देते। खुदा के वास्ते निकल आए इन चीजों से। जिंदगी बहुत कीमती चीज है, इसमें रब से वक्त गुजारे, उसके साथ जोड़े, उससे रब्त बनाए। जिस इंसान ने बंदगी रब ना पाई इस दुनिया में, और अल्लाह ताला के सपोर्ट खुद को ना कर दिया, और नहीं कहा कि अल्लाह तू चाहिए, तेरे सपोर्ट कर दिया खुद को मैंने, मुझे नहीं पता मैं कैसे तुझ तक पहुंचू, मुझे नहीं पता कि मैं तुझे कैसे प्यार करना सीखूं उस अंदाज से जैसे तेरा हक है, तो तू तो दे सकता है। इन लम्हों में ये मांगे कि रब तू चाहिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे अपनों के लिए। ये असल दौलत है जो अपनों के लिए तलब की जाती है, मेरे हर उस रिश्ते के लिए जिसे मैं दिलो जान से अजीज रखता हूँ, जिसको जिसपे मैं फिदा हो सकता हूँ, कुर्बान हो सकता हूँ, मेरे हर हर रिश्ते के लिए तेरी कुर्बत, तेरी बंदगी का रिस्क तलब करता हूँ। के दुनिया और आखिरत के बुलंद तरीन, अरफा तरीन मुकाम जो तेरी बुलंदी के कुर्बत के हैं दोनों जहान में, वो तलब करता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद की कुर्बत के वो तलब करता हूँ। कलाम इलाही से उनसियत, कुर्बत और मार्फत के वो तलब करता हूँ। तो हम कभी कभी इतने यानी आंखें रखते हैं, समाते रखते हैं, मगर जो है अपने दिलों को रियाकारी से इतना गलीज कर लेते हैं कि हम उस रब की गुफ्तगू को सुन नहीं पाते हैं। और इसी वजह से उसका जब कलाम पढ़ते हैं तो हमारे वजूद से कोई दर्द की लहर नहीं उठती कि वो रब है और वो हमसे इतना प्यार करता है, और उसने हमें जो रसूल और आले रसूल, यानी आप देखो महबूब इस कदर अजीम है हमारा रब ताला कि उसने अपना महबूब हमें अता किया हमारी तरबियत वास्ते। बिल्कुल तो इससे बढ़कर क्या इंसान की इज्जत और वकार वास्ते चाहिए होगा कि रब उसका रब हो और उस रब का महबूब उसने हमारे लिए, हमारी तरबियत के लिए रखा हो, और उस महबूब की महबूब हस्तियां उसने हमारे लिए रखी हो। और मतलब आप किस किस नेमत का रब की शुक्र अदा करोगे? शुक्र की आईने में जब आप देखोगे तो हर चीज रब का कलाम नजर आएगी, हर चीज रब की मेहरबानी नजर आएगी, हर चीज आपको तरबियत करती नजर आएगी, हर चीज आपको मजबूत बनाती नजर आएगी। तो इस ईद के दिन जो है, जहाँ हम खाने पीने की और मिलने जुलने की और नमाज की अदायगी की चीजें करते हैं, अपने वजूद के अंदर भी इस तरबियत को, इस चीज को जरूर देखें कि जो है वो हम कितना रब से जुड़ पाए हैं। अगर रब से ना जुड़े ना तो हम कुछ कितने हज कराएं, ये बेमायनी है। जब बिल्कुल इमाम हुसैन को छोड़ दिया और हज करते रह गए तो नमाजें पढ़ ली और इमाम वक्त की कोई खिदमत किसी काम ना आए और उनके साथ ना खड़े हुए, ये किस काम की बातें होंगी। तो अपने असल रस्मों से निकलकर प्रैक्टिकल जो रियलिटीज है ना,
वो अपनी लाइफ में लेकर आए कि नहीं, मैं अपने वक्त के इमाम के साथ कितना कड़ा हूँ। आज मेरा इमाम हलमी नासिर की जिसने सदा लगाई थी हजारों साल पहले, मैं कितना उसकी आवाज पर लबैक कहता हूँ। आज अल्लाहुम्मा लबैक तो कह रहा हूँ, तो क्या वाकई रब की आवाज को सुन रहा हूँ? क्या मेरा दिल में वो कैफियत, वो ऊंचाई, वो बुलंदी है कि उस रब को कहता है कि मैं आ गया हूँ अल्लाह ताला तेरे पास, अपनी मर्जी से आ गया हूँ, अपनी खुशी से आ गया हूँ, तेरे पास आ गया हूँ, तेरे सपोर्ट करने आ गया हूँ, तुझे देने आ गया हूँ अपना आप। तू ले ले सब कुछ, मेरी हर ख्वाहिश ले ले, बस जो तुझे पसंद है, जो तेरी ख्वाहिश है, जो तू पसंद करता है, बस वो मेरे दिल को दे दे। मुझे सिर्फ तू चाहिए और तेरी पसंद चाहिए, और अगर जो तुझे पसंद है मेरे दिल को उस पसंद से जोड़ दे, और जो तुझे नहीं पसंद है वो मेरे वजूद से निकाल दे। बस मुझे वो खुशी, उसी चीज में खुशी, सरूर और सुख दे, और वो ही चीज चाहने की तौफीक दे जो तुझे पसंद है। क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है, मेरे अपनों के लिए क्या अच्छा बुरा है, तू जानता है। तो उन सबको भी वो दे जो तू चाहता है, जो तू समझता है सबसे बेस्ट और बेहतरीन है, उस पर राजी रख खुश दिली के साथ। तो ये थोड़ा अपने अंदर हम मारिफत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। अब यकीन करें, मोहब्बत से बढ़ के इस कायनात में कोई चीज हसीन बेशक नहीं है। बेशक, बिल्कुल सही। और हम कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटें, इज्जत अफजाई करें, हर वक्त नेगेटिव मत नेगेटिव बोलें बिल्कुल एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। ये अपनी जिंदगियों में वो शीरीनी लेके आए, जो शीरीनी हमारे लहजों में नहीं है, हमारे गुफ्तार में नहीं है, हमारे उठने बैठने में नहीं है, हमारी आंखों की उतार चढ़ाव में नहीं है, हमारे जाहिर और बातिन में नहीं। हम सामने से इतने प्यार से बोल रहे होते हैं और अंदर से इतनी नफरत खा रहे होते हैं, और ये जो चीज है ये इंसान को रब के सामने पस्त कर देती है। तो क्या फायदा उस चीज का जो रब के सामने ही पस्त कर दे? हमें क्या फायदा? अल्लाह से दुआ करें कि ये सब ले ले जो तेरे सामने मुझे जलील और रुसवा और कमतर कर रही है। मैं नहीं जानता कैसे उनसे छुटकारा पाऊं, मैं कमजोर हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं, बस तू कर दे कुछ। मैं क्या करूं? मैं कोशिश करता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गिर जाता हूँ, तू तो संभाल सकता है, तू तो हर शय पे कादिर है। मैं अपनी मर्जी से आ गया हूँ तेरे पास, तेरी तौफीक से आ गया हूँ तेरे पास, तू संभाल ले मुझे। मैं अपने आप को तेरे सपोर्ट करता हूँ, अपने हर रिश्ते को, अपने हर अपने को, हर जो मेरी नस्ल गुजर चुकी है, जो है और जो आने वाली है, उस सबको तेरे सपोर्ट करता हूँ, ताकि तू उसको बंदगी का रिस्क दे, इश्क रसूल और इश्क अहले बैत का और इश्क खुदा का रिस्क दे, बंदगी खुदा का रिस्क दे, उस रब्त और ताल्लुक का रिस्क दे जो इंसान को आखरत और दुनिया में जो है वो जिंदगी जीना सिखाता है। और आज के दिन का मैसेज भी यही है, यकीन कीजिए। जब रब ताला के हुक्म से इब्राहिम अपनी बीवी को और बच्चे को वहां छोड़ जाते हैं, जहां ना पानी है, ना बिल्कुल खाना पीना है, ना रिस्क है, कुछ भी नहीं है, मगर तवक्कल बर खुदा है, और बीवी हाजरा के वो सफा और मरवा में धूप और गर्मी में चलाए यानी जो चक्कर उन्होंने काटे, उनको रब ताला ने कितनी इज्जत दी। आप यकीन करो, आप रब को अपना सब दे दो, आप गुमनाम नहीं रहते हो, आप अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह सबके दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देता है। वो इतना करीम है, वो आपका एक जो लम्हा है ना इखलास का, उसको न जाने कितनी यानी बुलंदियों से नवाज देता है दोनों जहान में। तो क्यों हम घाटे का सौदा करें, हम क्यों ना रब के हो जाएं? बिल्कुल तो इसलिए जो है हम ये कोशिश करें कि हम उन लोगों से भी बचें और वो इंसान बनने से भी बचें कि जो मकर और तकवा का तो लिबास पहन लेते हैं, लेकिन अपने वजूद की आलूदगियों से, जैसे तारीख में बहुत सी हौलनाकियां हुई हैं कि अहले बैत से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर कर दिया गया हर एक को। हज और उमरे तो होते रहे, नमाजें भी होती रही, सोम सलवात भी होते रहे और सारा कुछ होता रहा, लेकिन वक्त के इमामों को तन तनहा छोड़ दिया गया। और आज तक भी ये किस कदर वाजे है कि वक्त का इमाम आज भी गैबत कुबरा में है, और हम में कौन है जो रस्मों के अलावा जी रहा है? मुझे बताओ, हम मजालिस मिलाद सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है, मगर प्रैक्टिकली हमारे इमाम क्या हमारे अमाल से राजी खुश हैं? क्या उनका दिल है? आज क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा इमाम मुझे सीने से लगाएगा और मुझ पे फख्र करेगा और मुझसे खुश होगा और कहता होगा कि ये है जो मुझे चाहता है, ये मेरा वो इंसार है जिसकी मैं तलब करता हूँ, ये वो इंसार है जिसकी मुझे जरूरत है, ये वो इंसार है जिसने मेरे दिल को खुशनूद किया है? क्या हम में कोई है? हर कोई अपने आप से ये सवाल करे, क्या मैं अहद इमाम जमाना को निभा पा रहा हूँ आज के दिन? अगर नहीं पा रहा हूँ तो क्या है?
हक के बंदे की अदा करूंगा, क्या गुर्बत रब का सफर करूंगा मैं जब मैं, क्योंकि ये सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हम उन मकर और तकवा वाले लोगों की फरेब से खुद को भी बचाएं, खुद भी उसका शिकार ना हो, क्योंकि इसी वजह से तारीख में भी ये हुआ कि इमामों से, वक्त के इमामों से जो है पूरी उम्मत को अलहदा कर दिया गया और उन्हें मुकद्दस जो है वो जिसे कहते हैं ना लिबास पहनाकर, बस जो है मसलन आरफाना यानी वली बनने के तो उनसे तरीके पूछ लिए, मगर दुनिया में अल्लाह के निजाम को बनाने के तरीके ना पूछे गए ना बनाए गए। तो ये जुल्म ना कीजिए, उस जुल्म का मजीद शिकार ना होइए। आयमा तहार से जो हम लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कह रहे हैं तो उसका असली मायने यही है कि लबैक अल्लाहुम्मा लबैक को लबैक या रसूल अल्लाह और लबैक या इमाम जमाना जो है उस तक पहुंचना है, ये सफर है पूरा और इसकी कीमत है पूरी, और ये शऊरी सफर है, मारिफत से भरा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने कह दिया जुबानी जुबानी और देने को मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने ना वक्त दिया ना आराम दिया ना सुकून दिया ना कोई दर्द काटा ना कोई तकलीफ उठाई ना मेरे काम में वो इखलास हुआ कि मैंने कोई कंकर भी किसी ने मुझे लगाया हो यानी इस मेरे खिलाफ को देखकर। तो इस वजह से हमें अपने वजूद को जाती दुश्मनियों से, अना की दुश्मनियों से निकाल कर मैदान अमल में ला के खड़ा करना है। जहाँ आज देखो आले सऊद ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खाना काबा के गिर्द जो है बना छोड़ी हैं और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है, और हज के जो एक लोगों के लिए इतना मुश्किल बना दिया है उसको और इतना ज्यादा उसको तजारत के ऊपर बेस कर दिया है कि वो हज कम और एक जो है फ्रेंड वो जैसे कहते हैं ना वो आप जाते हैं हॉलीडेज के लिए जाते हैं, एक कंफर्ट हॉलीडेज के लिए वो बना दिया है। तो इन जो आले सूद जैसे मकर और तकवा का लिबास पहने हुए जो वक्त के ताबूत है, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा आज? कौन होगा जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा? कौन होगा जो इनके मुंह पर तमाचा मारेगा अपने इखलास का, अपने ईमान का, अपने तकवा का, और उनके खिलाफ आवाज उठाएगा अमली तौर पर कि ये जो तुम मुनाफ़िकत का लिबास पहनकर जो है हमारे दीन के साथ जुल्म कर रहे हो, ये कौन लोग हो तुम? हम हैं अभी जो वक्त के इमाम के साथी हैं और इंसानियत को और दुनिया को जो है इस अमन और अमान का गहवारा बनाने के वास्ते अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इंसानों की भलाई का सोचेंगे, उनसे मोहब्बत का सोचेंगे, और ऐसे दुश्मनाने इंसानियत को जो है हम खेड़ फेंकेंगे अपने इखलास से, अमल के जरिए से, जैसे शहीद बाकिर ने किया, जैसे बाकी शहदा ने आज की इस सदी में किया। आप देखो शहीद बाकिर निमर के साथ जिस तरह बिनतुल हुदा थी सदाम के दौर में और उनके भाई थे जो है, तो ये इसी दौर के लोग थे, ये कोई दुनिया। और आज भी जो जो लोग अपना ये हिफाजत कर रहे हैं अपने तमाम रोजों की और उनकी मुकद्दसात की, और वहां पे हम जाते हैं ज़ियारात के लिए और सारा कुछ, और हम अमन अमान से कर आते हैं, तो ये वो पाकरवाह हैं जो चुनी हुई हैं, जिन्होंने अपना वजूद फरोख किया है रब की बंदगी के सम। तो हम भी अपनी अपनी जगह को अगर जन्नत बना लें, अपनी अपनी जगह को अगर रब का हरम बना लें, अगर अपनी अपनी जगह को जहां भी हैं, चाहे वो हम घर में हैं, ऑफिस में हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, गैरों के साथ हैं या अपनों के साथ हैं, अगर हमारा वजूद हर में खुदा होगा तो वहां हर इंसान का भला होगा और वहां कोई इंसान जो है वो तकलीफ में नहीं होगा हमारी जात से, क्योंकि रब तो तकलीफ नहीं देता बल्कि इंसान को उठा देता है उसके लोअर सेल्फ से, जो होता है कमाल का सेल्फ होता है उसकी समझ। तो हम भी यही करें कि जिसके अंदर जो अच्छाई है उसको इस कदर खूबसूरती से बयान करें कि वो इंसान अपने लोअर सेल्फ को भूलकर अपने अच्छे सेल्फ की समझ मतवज्जो हो जाए, जो रब ताला के नामों का मजर है, जो रब ताला के नामों की दलील है, जिसमें चाहे देखो आज चाहे कोई मुसलमान हो ना मुसलमान हो, सच से हर एक को मोहब्बत है, इंसाफ से हर एक को मोहब्बत है, और जो है जुल्म से हर एक को नफरत है। तो ये वो सच्चाइयां हैं ये जो ये रब की गवाही देती है कि फितरत इंसानी अल्लाह के जो जलाली और जमाली नामों से मंसूब है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हक है, सच है, मोहब्बत है, अता है, जो हसासियत है हर उस अमल की समझ जो इंसान को हक और बातिल में शनासाई की एक आला तरबियत देता है। तो ये हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी जिंदगी हमारे पास है, ये नेमत है, आखिरी सांस तक लड़ते जाना चाहिए। रब आप पढ़िए दुआएं, यकीन करें इमामों की, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआएं हैं सहीफ़ा सजादिया में, सहीफ़ा आप उनको दिल से पढ़ें, यकीन करें
जब आपका दिल पाक होगा ना, यानी आगे कई कई दफा हम पढ़ते हैं लेकिन हम उस उसके मीनिंग को अपनी अंदरूनी बेबसीरती के बाइस ले नहीं पाते हैं। अपनी कुलूब को उस तरखेजी से खुदाले मार मार के जरखेज करे, वो जो होती है ना अपने आप को ला कहने वाली, यू वर्सेस यू जो इंसान की जंग है उसमें अपने आप को जो करने वाली होती है, ना कहने वाली होती है, कोशिश तो करें। रब से मांगे तो सही, कुछ भी नहीं होता। रब से कहें मैं आ गया हूँ, मुझे संभाल ले, मैं नहीं खुद को संभाल सकता तेरे बिना, मैं कैसे तेरा बंदा बन सकता हूँ तेरे बिना, तू मेरी मदद कर, तू मुझे गंदगी से निकाल जो मेरे वजूद में मेरी मनफी सिफात की बायस मेरी जुबान, मेरे जाहिर, मेरे बातिन में, मेरी मुनाफकत में, किसी भी अंदाज से मुझ में, खुदा रहा ये सब ले ले मुझसे, बस तेरे रिश्ते बंदगी का रिश्क दे दे। तो फिर ईद होती है असल में, फिर ईद का मतलब समझ में आता है, फिर ईद की उस सरूर से इंसान कनेक्ट होता है जो इंसान को रब रसूल अहले बैत और कलाम इलाही और तमाम जो हक है ना उससे इंसान को जोड़ देता है। ईद के मायने सिर्फ हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट और सजावट और बनावट नहीं है, असल सजावट वजूद के अंदर की है जिसने इस दुनिया और आखरत को जन्नत बनाना है। जो दीन दुनिया में काम नहीं आ रहा, जो दुनिया में मुझे और आपको इंसान नहीं बना पा रहा, जो आज मुझे और आपको हज तो हम कर देते हैं लेकिन सीरत उस्वा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर हम अमल नहीं करते, जिस यानी उनके अमल को अल्लाह ने हमारे लिए एक वाजिब अमल करार दिया, तो हम उस अमल को कितनी दफा तवक्कल खुदा कितना करते हैं, आला गर्फी कितनी करते हैं, कितना हम रब ताला से कनेक्टेड हैं कि उसके हुक्म को बजा लाने के वास्ते अपनी जात से उभर कर जीना सीख सके, नहीं कर पाते। अगर नहीं भी कर पाते कोशिश तो करें, गिर जाएंगे ना, टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाएं, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते तो रहिए, रब की खातिर कोशिश तो करिए कि क्या पता रब संभाल ही ले, और आपके इखलास का कोई लम्हा आपको दोनों जहान में रब की बंदगी उसके इश्क के आला तरीन जो मुकामात है उन तक ले जाए। और हदफ कुर्बत रब हो, कोई दुनियावी और उखरवी नाम नहीं, ये नहीं कि हाँ जी मैं तो बड़ा इतना अच्छा बोलता और काम करता हूँ तो मेरी फला तारीफ कर रहा था और फला तारीफ कर रहा है, घटिया चीजें हैं इनके, आज कर भी रहा था तो क्या करें, 100 साल बाद भूल जाएगा हर कोई, तो ये चीजें समझें। जिंदगी की हकीकत को मारफत से जिए, यकीन करे मारफत से ज्यादा हसीन और शीरी चीज कोई नहीं है, इल्म से ज्यादा शीरी कोई चीज नहीं। अगर बर्तन दिल का पाक होगा, आप सब अनलर्न कर दीजिए और अनलर्न करके रीलर्न कीजिए सिर्फ कुर्बत हक की खातिर। ये कुर्बत हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कुर्बत खुदा की खातिर, मगर कुर्बत खुदा का मीनिंग समझें, अपने आप को रियलाइज करें मतलब क्या है, गौर कीजिए इस बात पे क्या है कुर्बत खुदा, कुर्ब है किस चीज में, कैसे मिलता है, क्या मेरा दिल इस कदर पाक है कि कुर्बत खुदा, मैं कलाम इलाही पढ़ता हूँ तो मुझ पर कोई कैफियत आ रही होती है कि मैं रब से कनेक्टेड हूँ, कि वो इस कदर अजीम शान रब के जिसके आगे अली जैसा गुलाम उसका अब जो है वो ऐसे हो जाता है कि जख्मों से तीर भी निकाल दिए जाते हैं या खंजर भी निकाल दिए जाते हैं, मगर मेरी तो हैरियत यानी मेरे पर तो इतना भी नहीं होता कि मेरे वजूद में कोई वाइब्रेशन ही हो जाए उसकी अजमत को सोच के, कि बेमारिफत का नदी क्या है, यकीन कीजिए ये हम जो अपने आप को अच्छी तरह साफ नहीं कर रहे ना इसका नतीजा है कि हम जुड़ नहीं पा रहे खुदा के वास्ते जिंदगी की इस कीमती तरीन नेमत को, और जिंदगी के इस कीमती तरीन वक्त को, वक्त से ज्यादा कीमती कोई शय नहीं है, अल्लाह के वास्ते इस वक्त की कदर करें, इसमें मारिफत लें, दिल को पाक करें, इन लम्हों की फायदा उठाएं जो लम्हे इस वक्त आपको मुयस्सर हैं, क्या पता यही लम्हा आपके दुनिया और आखरत में कुर्बत रब का जरिया बन दे। सफर खत्म नहीं होना, हम मर जाते हैं तो रहलत कर जाते हैं, हम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, हम मुंतकिल हो जाते हैं, सफर खत्म नहीं होता, उस सफर पे क्या जरूरत है, वो इल्म मार्फत तकवा हिदायत पाकीज़गी की जरूरत है, वो अपने वास्ते इकट्ठा करें रिस्क जो मौत के बाद और जिंदगी के अंदर आपके वजूद को सरापाए बंदगी खुदा का एक चलता फिरता नमूना बना सके, इसके इलाही का नमूना बना सके। इसलिए नहीं कि हमें वो टैग लेना है, इसलिए कि कुर्बत रब से ज्यादा लतीफ और हसीन इस कायनात में कोई शय नहीं, जिसके वास्ते आयमाए खुदा ने और रसूल खुदा ने इतनी अजियतें और तकलीफें उठाई और आज तक हमारे इमाम तन तन्हा हैं और कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। खुदा के वास्ते इस दर्द को दर कीजिए, वक्त का इमाम आपका मुंतजिर है, आपकी तैयारी का, आपकी आपकी कुर्बत और बंदगी का, अगर बंदगी होगी तो आप नायब इमाम के
नीचे चल सकेंगे ना, आप में नहीं होगी बंदगी तो कैसे आप चलेंगे उस रब के नायब के नीचे, क्योंकि वो तो अतात मांगेगा, वो तो आपसे आपके खिलाफ जाना मांगेगा, तो वो तो आप हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम खड़े ही नहीं है। हम ये सोच के ही हार जाते हैं कि जी हाय आज के दौर में ये कैसे मुमकिन है, फला फला। तो ये सोच ही इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। कम से कम सोचे तो बुलंद, क्या पता कभी कोई जमा आपको बुलंद उठा ही ले जाए। ये सीड्स हैं आपकी, सोचें वो सीड्स हैं जिन्हें शजर बनना है। अगर कमजोरी की सीड्स अपने अंदर डाल देंगे तो कमजोरी बनेगी, इश्क और मार्फत और तकवा और हिदायत और मोहब्बत के अहले बैत के डालेंगे, वही शजर तनावर दरख्त कभी ना कभी बन ही जाएंगे। अगर उनको आप थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ी थोड़ी रोशनी और हवा, मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात की देते रहेंगे तो अल्लाह रसूल आपका मुमकिन है एक लम्हा इखलास का पकड़ ले और आपको चुन ले और आपको वो दे दे जिसे कहते हैं मुकाम जो जी। हक है आपका। मैं बात चाहूंगी, नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं बहुत ही आपकी खूबसूरत गुफ्तगु थी और इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत थी फायदा, यकीन कीजिए। बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि हमारे रूहों को जो है जगा देने वाली आपने गुफ्तगु की है। बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। नो प्रॉब्लम सर, है बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब रब के अच्छे बंदे बन जाए। ये बंदगी का दिन है, इश्क का दिन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से वादे का दिन है, अहदे इमाम ज़मा का दिन है, नुदबा का दिन है। खुदा रहे इन लम्हों को जाया ना कीजिए, वक्त के इमाम से अहद कीजिए, सच्चे दिल से चाहे 2 मिनट 5 मिनट बस इमाम से बात कीजिए, अल्लाह से बात कीजिए। ठीक है, मैं बस तेरे पास आया हूँ, मैं तेरा होना चाहता हूँ, तेरी हुज्जत के काम आना चाहता हूँ। मेरे होने ना होने का मकसद बस तेरी कुर्बत, तेरा इश्क, तेरी बंदगी और अपने वक्त के इमाम रसूल की और आले रसूल की उन खिदमात की समत अपना फरीजा अदा करना है। मुझे वो तौफीक दे जो मुझे इसका बिल करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच और अल्लाह आप सबको ढेरों ढेरों खुशियां दे, आपकी सबकी जितने भी देखने सुनने वाले हैं उन सबको दोनों जहाँ के सारे सुख सारी खुशियाँ आराम दे और बिलखसूस बंदगी इश्क इलाही मार्फत का रिस्क दे और हम सबको इस काबिल करे कि इमाम के दिल का सरूर उनकी खुशी बन सके, वो हमें सीने से लगा सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। जजाकल्ला। हमारे साथ एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कौन बहन हमारे साथ है? मुबारक आपको। मैं बर्मिंघम से महफूज फातिमा बोल रही हूँ। जी महफूज फातिमा, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, फायजा को भी मेरी तरफ से मुबारक। जी जी बिल्कुल, फायजा जो है लाइन से जा चुकी है, लेकिन मैं इमाम ज़माना के नाम के 20 पॉइंट जो है ना मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, कॉल करना ना वापस तो फिर मैं लिखवा दूंगी आपको। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। अल्लाह ताला आपको जो है आपकी तमाम हाजात को कबूल और मकबूल फरमाए और आपको जो है दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए। आमीन सुम आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप आज के हवाले से कुछ भी कहना चाहें, जैसे हमारी बहन महफूज फातिमा ने 20 पाउंड जो है वो इमाम ज़माना के सदक़े के तौर पर हवाले के तौर पर जो है वो हदायत को अदा किए हैं, तो आप भी आज के दिन जो है अपनी जो ये कुर्बानी है इसको डबल कर सकते हैं। आप भी आज के दिन जो है वो आज के दिन सदका करके, आप आज के दिन डोनेशन करके, इस डोनेशन को आप 20 पाउंड हैं तो आप समझिए कि 20,000 पाउंड आप एक तरह से दे रहे हैं। परवरदिगार आलम का ख़जाना हमारी सोच से, हमारी इमेज से हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो कितना वसी है और कितना जेनरस है मेरा रब। और जब वो अता फरमाता है बंदे की छोटी छोटी जो नेकियां होती हैं उन पर बेशुमार और बेतहाशा अता फरमाता है, तो आप भी आज के दिन जो है इसको फॉलो कर सकते हैं जो महफूज फातिमा हमारी बहन ने आज किया है। और फायज़ा की बातों पर मैं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाकता ही हम जो हैं अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की अतात में इस तरह से सरशार हो जाएं कि हमारी जो रूह है और हमारा जिस्म जो है वो एक होकर परवरदिगार के सामने झुक जाए और मार्फत हमें रब की हासिल करना, रब के रसूल की और आले मोहम्मद की हासिल करना, कुरान की हासिल करना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी यूँ नहीं कर सकते कि हम इसके लिए कोई डिग्री नहीं कर सकते। ये मार्फत तब आएगी जब हमारे दिल पाक होंगे, जब हमारे दिलों के अंदर वाकता ही एक
लहर पाई जाएगी, एक पैशन पाया जाएगा कि हम अल्लाह को की मौरफत हासिल करें जब हम कुरान के लफ्ज़ों पर गौर करेंगे, सिवाय उनको पढ़ के गुजर जाने के उनके एक एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो हमें वो मौरफत हासिल होगी। मालूम होगा कि अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई है, हमें दुनिया में क्यों भेजा है, हमें क्यों पैदा किया है, क्या मकसद था मेरे रब का। और फिर जब हम तन्हा होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम बेबस होते हैं, जब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता, जब दुनिया वाले हमें छोड़ जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला किस तरह से और किस अंदाज में अपने बंदों को समेटता है ये हम और आपसे बेहतर कौन जानते होंगे। जब हम लाचार हो जाते हैं, जब हमारे पास वो दुनिया जिस पर हम एतबार किए हुए होते हैं, वो दुनिया जिस पर हम भरोसा किए हुए होते हैं, वो दुनिया जिसे हम उम्मीदें लगा कर बैठे होते हैं, वो दुनिया हमें दगा दे जाती है, तो कौन है एकदम से हमें संभाल लेता है, कौन है जो हमारे दिलों को सुकून अता फरमाता है, कौन है जो हमारी फरियादों को सुनता है। और फिर वो ये इसलिए सुनता है, ये बताता है कि रब के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, रब के सिवा तुम्हारा कोई साथी नहीं है। रिश्ते जिनको दुनिया में हम निभा रहे हैं ये भी परवरदिगार आलम के लिए हैं, ये हमारी सूद करने के लिए हैं, हमें आराम देने के लिए हैं, हमें सुकून देने के लिए हैं। और हम जिन रिश्तों में हैं ये अजाब का बायस मत बनाएं, इन रिश्तों को अपनों के लिए इनको डिफ़िकल्ट मत बनाएं, एक इजी गोइंग पर्सन बनिए जिसको आसानी से अप्रोच किया जा सके, जिसको अपना दर्द दिल सुनाने के लिए आसानी से लोग अप्रोच कर सकें, ना कि वो सोचें कि मैं इसको क्या सुनाऊँगा, ये तो ये मेरे मुझे जज करेगा, ये मुझ पर ताना कसेगा, तो उससे बेहतर है कि आप उस मैं इसको अपनी बात ही ना बताऊँ। खुदारा वो इंसान बनिए कि जिसके कंधे पर सर रख कर कोई अपना रो सके, कोई अपने दिल का हाल बयान कर सके, जिसको आप तसल्ली दे सकें, जिसको आप तशवी दे सकें, जिसको आप अल्लाह पर दोबारा से भरोसा करना सिखा सकें। तो वो इंसान मत बनिए कि जिसके जस्ट सिर्फ बैठे होने से ही दूसरे इंसान तकलीफ में मुब्तला हो जाएं, अज़ियत में मुब्तला हो जाएं, कॉशियस हो जाएं कि हमें बात करते हुए किस तरह से बात करनी चाहिए। अपने आप को एक ऐसी प्लेजेंट पर्सनालिटी बनाइए अपने रब की अतात में, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए या ये कि आपकी लोग तारीफ़ें करें इसलिए नहीं, बल्कि अपने रब की खुशनूदी के लिए, ये सोचकर कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरा अल्लाह मैं अगर अपने गुस्से पर काबू पा रहा हूँ तो मैं अपने अल्लाह के लिए पा रहा हूँ, अगर मैं किसी की बात का तल्ख बात का जवाब नहीं दे रहा तो मैं अपने अल्लाह के लिए नहीं दे रहा, और अगर मैंने जो है वो किसी के जुल्म ज़्यादती को बर्दाश्त किया है तो अल्लाह के लिए किया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जुल्म ज़्यादती को जो है वो जब हम पे होता है कोई नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा इरादा करते हैं कि मैं अगर बदला नहीं लूँगा तो मुझे लोग कमज़ोर समझेंगे, मैं अगर बदला नहीं लूँगा तो लोग कहेंगे तुम इतनी जल्दी अपनी बेइज्जती करवा गए। हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोगों का मत सोचें, लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग आपकी रोज़े कयामत जो है वो आपके अमालनामे को ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह की ज़ात के लिए जब आप झुकेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह आपको कितना बुलंद करता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो कि असल टाइम है, जो कि असल दुनिया है, जिसमें हम वो तमाम लोग जिनकी हम परवाह किया करते थे उनके सामने अल्लाह क़यामत के रोज़ जब हमें सुरखरू करेगा तो कैसा लगेगा, जहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जहाँ पर हमें खुद को हमेशा हमेशा के लिए पाना है, और ये जहाँ पर हम पता नहीं किस लम्हे हमारी आखिरी सांस हो हम उसके लिए अपनी पूरी जान लड़ा देते हैं, खुद को अच्छा साबित करने के लिए, खुद को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को अमीर साबित करने के लिए, अपने आप को दूसरों से बढ़तर साबित करने के लिए, अपने आप को आला साबित करने के लिए, तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो इस तकब्बुर और इस घमंड में आगे बढ़ता चला जाता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, दूसरों से हम कतन बेहतर नहीं। और जब हम अपनी बदअमालियों पर नज़र डालें तो हमें एहसास हो कि हम दुनिया के हकीर तरीन बंदे हैं, और ये रब्बी की मेहरबानी है कि उसने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है, वो हमें इस दुनिया के सामने अयां नहीं करना चाहता, वो हमारी बुराइयों को, वो हमारे भटके हुए रास्तों को जो है वो लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहता। और इससे बढ़कर मेरे रब की मोहब्बत क्या होगी, ज़रा आप सोचिए, ज़रा आप देखिए कि माँ बाप तो फिर हमसे जो है वो समटाइम जब हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, नाला हो जाते हैं, हम इस पर सख्ती करते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा तो ज़रा लगाइए कि हम उसकी बेतहाशा बिना सोचे समझे दिन रात नाफरमानियाँ करते हैं, और जब हमें जब हम अकेले होते हैं, तनहा होते हैं, तो वो हमें संभाल लेता है, वो हमें जिस तरह जैसा एक बच्चा इस बात का मुंतजिर होता है कि अगर मैं रोऊंगा, मैं जो है वो बेचारगी का इजहार करूंगा तो मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगा लेगी, तो अल्लाह क्या करता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको नहीं, आप उसी गोद में नहीं है, अल्लाह मकान और जमान से बेनियाज है, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि अल्लाह आपके साथ है, उसकी ताकत आपके साथ है, उसकी रहमत आपके साथ है, उसकी मगफरत आपके साथ है। और कितना ये खूबसूरत एहसास है, जैसे कि फायजा ने भी कहा कि जो है वो किस
आप अल्लाह की मोहब्बत को अगर महसूस करने लगें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर कैसी मोहब्बत पाई जा रही है, कैसा एहसास पाया जा रहा है और परवरदिगार आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो नाज़रीन ये चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। और बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदा बातें हो गई, लेकिन चूँकि ये दिन वाकता ही ज़ाया करने के लिए नहीं है, इसमें मोहब्बत का एहसास दीजिए। जिन लोगों के साथ आपने ज़्यादतियाँ की उनमें उनसे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। जिन लोगों से आप नाराज़ हो चुके हैं, जो आपसे नाराज़ हो चुके हैं, वो भी आपसे किसी भी किस्म का आप उनसे अगर रिकंसाइल करते हैं तो उसमें आप एक बार करके देखिए आप कैसा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप हल्के फुल्के हो गए हैं, आपको लगेगा आप लाइट से भी ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, आप हवा में ख़ुद को महसूस करेंगे। और उसके बाद जो आप हम एक अच्छा जो है वो अमल करते हैं और अल्लाह ताला किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमें उस जंजाल में से निकाल के ले जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सहर कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सदफ़ आप ही का इंतज़ार था। बहुत बहुत मुबारक हो ईद की आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और बस इन दुआओं के साथ कॉल की इत्तेदा करना चाहूँगी कि जीती रहिए, खुश रहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। बस मैं भी अभी किचन से फारिग हुई थी। अच्छा। तो टीवी देखा तो आप माशाल्लाह से एक फूल की तरह बैठी हुई हैं और दिल बड़ा खुश हुआ। सलामत रहिए और आप बताइए कि आपका आज का क्या प्रोग्राम है प्रोग्राम के बाद? बस सदफ सुबह खाना थोड़ा सा बनाकर आई थी, इनवाइटेड हैं, मतलब हम वन डिश करती हैं, फ्रेंड्स वहाँ जाएंगे, तो आप ये मुझे बताएं कि आपने आज क्या किचन में इतना कुछ बनाया है? जी आपकी तरह मेरा भी शाम को माशाल्लाह से वन डिश का प्रोग्राम है हमारी तमाम फ्रेंड्स का। अच्छा। तो इंशाल्लाह शाम को हम जमा हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा दोपहर के लिए मैं बना रही थी और शाम के लिए भी कुछ बनाना था, तो बस वही आपको पता है कि ईद का दिन होता है और हम तमाम खवातीन होती हैं और किचन होता है, खुशी महसूस कर रही होती है। वो आम दिनों में जो हमें बेजारी होती है ना खाना बनाने की, उस दिन इस दिन नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सदा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, छोटी जो छोटी जिसको हम कहते हैं दिलफितर, तो वो उसमें आप मेरे साथ थी तो ईद शो पे, तो आज आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन जाहिर है कि आपके जाहिर अपनी मसरूफियात भी होती हैं और आप बिजी थी, लेकिन बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आपने कॉल किया, एटलीस्ट एहसास हो गया मुझे कि आप मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह आपके साथ है, बस वाकई थोड़ी सी मसरूफियत थी, वरना इंशाल्लाह ईद पे भी मैं आपके साथ होती और इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे, दिन आएंगे, ईदें आएंगी, इंशाल्लाह साथ गुजारेंगे। और ये है कि बस आप खुश रहिए और इसी तरह मुस्कुराती रहिए। मौला आपकी जो है जितनी हाजात हैं जायज़ हाजात मौला कबूल करे आज के दिन के सदक़े में। ईद कुर्बान हमें सबक देता है कि हमने किस तरह से ईसार का जज्बा और कुर्बानी का जज्बा हमने अपनी जिंदगियों में शामिल करना है। और देखिए सहर बात यही है कि ईद सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपने खुशियां मना ली, कुर्बानी का नाम है कि अपनी नफ्स को भी कुचल के दूसरों को जो है खुशी अगर आपने बख्श दी है तो हमारा दीन इसका सबसे बड़ा दर्द देता है। और हम तमाम देखने वालों के लिए भी बहुत दिल से दुआ करते हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी और आपको टाइम मिले तो आइएगा, चक्कर लगाइए। जरूर जरूर बिल्कुल, ऑन एयर ऑफर दे रही हूँ। नहीं नहीं मुझे आपके और मुझे आपके किचन से उठने वाली खुशबुएं मुझे यहाँ तक आ रही हैं। जी जरूर तो, आप आइए चक्कर लगाइए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। सलामत रहिए सहर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ओके खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी हमारे साथ मौजूद थी सदफ आबदी और जो है आज मेरा ख्याल है कि हर खातून ही घर में बिजी होती है। नाज़रीन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी हमें ईद मुबारक कह सकते हैं और हमसे ईद मुबारक ले भी सकते हैं। तो ज़रा किचन में से बाहर निकले ना हमारी बहनें और ज़रा फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें और अब जो है वो बताएं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है और आज उन्होंने कौन सी स्पेशल डिश बनाई है जो उन्होंने सोचा हुआ था कि जब ईद कुर्बान आएगी तो हम उस दिन ज़रूर वो डिश बनाएंगे। तो यकीनन हर किसी की एक होती
ही है एक प्लान किया होता है कि ये डिश जो है ना मैं इसी पर ट्राई करके देखूंगी ये कैसी बनती है, और इतनी एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं हमारी बहनें कि वो उस नई डिश को भी बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर लेती हैं, बड़े अच्छे तरीके से बना लेती हैं, और फिर इस तरह से उनकी स्पेशलिटी में जो है एक और इजाफा हो जाता है कि वो वाला खाना भी बनाने लगती हैं। और आज मैनचेस्टर में कम अज़ कम जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी महसूस हो रही है। हमारे यहाँ तो यूँ होता है कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ता है तो बस एक जिसे कहते हैं कि रोला मच जाता है कि जो है वो गर्मी बहुत हो गई है। आज जब मैं सुबह अपनी अम्मी से बात कर रही थी तो ईद मुबारक कहने के लिए, तो ज़ाहिर है कि पूछती हूँ कि गर्मी कितनी होती है, तो अम्मी ने कहा कि बहुत गर्मी है, बारिश भी नहीं हुई, चूँकि हम ज़ाहिर है कि साउथ पंजाब की तरफ रहते हैं तो उधर बारिशें कम होती हैं, तो वो मुझे मैंने कहा आज अम्मी हमारे यहाँ भी बहुत गर्मी है, तो अम्मी कहती हैं कि क्या टेम्परेचर है, मैंने कहा कि 22 टेम्परेचर है, तो अम्मी हंसने लगी कि ये 22 में तुम्हें गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा हमारे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है, और 25 और अगर 25 से ऊपर चला जाए तो फिर तो हमें वो क्या कहते हैं ना कि समझ नहीं आती कि हम करें क्या। पंखा जो है वो अपने ऑब्वियसली हमारे तो जो है वो सीलिंग फैंस भी नहीं यहाँ पर होते, तो लेकिन अब देखा है कि जो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं तमाम दुनिया में, तो लोगों ने एयर कंडीशन भी अपने घरों में लगाने शुरू कर दिए हैं, और लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि एक दिन अगर गर्मी पड़ती है तो अगले दिन फिर सर्दी पड़ती है, तो वो जहाँ आप फ़ौरन ही पंखा चला लेते हैं या एयर कंडीशन चला लेते हैं, आपको अगले दिन फ़ौरन ही वो बंद करके दोबारा से अपनी जो ब्लैंकेट है उसको ज़रा मजबूत कर लेना पड़ता है कि आज सर्दी पड़ रही है, तो कुछ समझ नहीं आती है कि क्या करें। हमारी जो ख़वातीन होती हैं, जैसे कि वो आजकल लॉन के बड़े खूबसूरत डिज़ाइन आते हैं वो पहनने की शौकीन होती हैं, और ईद वाले दिन तो ख़ास तौर पर सोचा होता है कि आज ये जो है सूट ज़रूर पहना जाएगा, लेकिन अगर सर्दी पड़ जाती, आज तो खैर नहीं पड़ रही, लेकिन तो वो दोबारा से एहसास होता है कि आज तो हमने बड़े हल्के फुल्के से कपड़े पहन लिए तो इसमें तो ठंड लगेगी, तो खैर उसके ऊपर स्वेटर पहन लेते हैं, हम भी बाज नहीं आते, हम भी समर को वैसे ही इंजॉय करते हैं जिस तरह से दूसरे मुल्कों में किया जाता है, अगरचे हमारा समर जो है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, उसमें बड़ी थोड़ा सा एम्बिगस होता है, हमें पता नहीं चलता कि समर है या इसके अंदर विंटर की लहर कब आ जाए, जो ही बारिश होती है ठंड पड़ जाती है, और रातों को तो अक्सर ही आप जानते हैं कि बहुत ठंड होने लगती है। तो खैर ये तो मौसम की बात थी कि इसके बारे में बताया, लेकिन आज हमें भी जो है वो गर्मी का एहसास हो रहा है, और लेकिन ये हमारे लिए एक प्लेजेंट मौसम होता है जिसमें सब अपने अहलो याल के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ बाहर जा सकते हैं। तो आज के दिन से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है, आप बारबेक्यू कर सकते हैं अपने गार्डन में आसानी के साथ, क्योंकि आज जो है वो मौसम बड़ा बेहतर है, आप इसमें जो है वो इंजॉय कर सकते हैं और जो है इसमें आप बारबेक्यू कर सकते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ, घर वालों के साथ जो है आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो नाज़रीन हम जो है आपको ईद मनाने देंगे, और मैं आप भी अब थोड़ी सी ईद जाके है घर मना लूं, क्योंकि मैंने जो है वो लैम चॉप्स और जो है वो मैंने उनको रखा हुआ है ओवन में, और मैं जल्दी से भाग कर जो है ओवन बंद करके यहाँ पर आई हूँ, मुझे सोवन को जाके दोबारा चलाना है ताकि मैं अपनी डिश को रेडी कर सकूं, और जब हम वन डिश पर जाएं तो मेरी डिश में कोई कमी ना हो, ये ना हो कि गोश्त सख्त रह जाए और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो नज़रीन आपको एक मरतबा फिर मैं तहे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करती हूँ, और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल व मकबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की राह में अपने नफ्स को कुर्बान कर सकें, और दिली तौर पर दिली खुशी के साथ हम अल्लाह की राह में अपने आप को निछावर कर सकें, अल्लाह की अतात और मोहब्बत के साथ ख़ुद को बांध लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात कल सुबह होगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।